नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर से नई बरसात की गतिविधियां शुरू होने वाली है और आज से एक नया वेदर सिस्टम बनने जा रहा है जिससे राजस्थान में एक बार फिर से अच्छी बरसात और भारी बरसात की शुरुआत होगी। तो कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम, कौन से जिले में भारी बरसात होगी? अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे वेदर सिस्टम से राजस्थान का मौसम एक बार फिर से खुशनुमा होने जा रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि इस नए वेदर सिस्टम से राजस्थान का मौसम फिर बदल जाएगा और ये नया सिस्टम दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान असर दिखाएगा। आज रात से दोस्तों कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां शुरू होगी और कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग में मौसम में कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से बरसात होने की संभावना है। बारिश होगी अगले 24 घंटों के दौरान और मौसम विभाग की मान तो बीते 24 घंटों में बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर के कुछ एरिया में मध्यम बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ दोस्तों बादलों की वजह के साथ राजस्थान में 24-48 घंटों के दौरान इन जिलों में हलचल देखने को मिलेगी और आज रात तक दोस्तों कई जगहों पर मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। इसी के साथ चूरू, अलवर, डीग, धौलपुर, करौली इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट देखने को मिल सकता है, बादलों के साथ बरसात रहेगी। इसी के साथ यहां पर येलो अलर्ट भी देखने को मिलेगा जैसलमेर, सांचौर और टोंक, जयपुर देहात, इसी के साथ सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ इन सभी जिलों में दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि येलो अलर्ट, मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी है। इसी के साथ सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा और यहां पर सिरोही और पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, जयपुर देहात, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, डीग, खैरतल, कोटपुतली, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर इन सभी जिलों में सर्वाधिक बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गति जारी रहेगी। वही दोस्तों बादल छाए रहने वाले जिलों की बात करें जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर देहात, नागौर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और सवाई माधोपुर इन जिलों में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ राजस्थान के मौसम में बदलाव होने के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा और मौसम में बदलाव होने उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम ठंडा सुहाना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आज धूप से रात मिलेगी, गर्मी से थोड़ी रात मिलेगी और बादलों की लुका छुपाई चल रही है। राजस्थान के कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बीते 24 घंटों के दौरान दोस्तों मौसम में बदलाव भी देखने को मिला, बरसात की गतिविधियों में ब्रेक भी लगा है। जो पिछले 3 दिनों से बरसात हो रही थी वहां से राहत मिली और अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नया प्रेशर जो है लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो रहा है और इसी वजह से अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अपना असर दिखाएगा। इस सिस्टम के असर के कारण राजस्थान में जो है अगले 24 घंटों के दौरान खास करके शुक्रवार, शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बरसात के साथ रात मिलेगी और गर्मी से रात के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी। साथ में यहां पर विभिन्न इलाकों पर दोस्तों बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल हो सकती है और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम बदलेगा। साथ में यहां पर राजस्थान के विभिन्न इलाकों पर दोस्तों गर्मी के तीखे तेवर से जो है बहुत जल्द रात मिलते हुए नजर आएगी। कुछ इलाकों पर अच्छी बरसात होगी तो कई जगहों पर बादलों की वजह के साथ यहां पर मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी और यहां पर तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव मिला जुला देखने को मिल सकता है। आप राजस्थान के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं और आपके यहाँ पर पिछले 2 दिनों के दौरान बरसात हुई या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और फिर से हमें इजाफा देखने को मिल सकता है राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जालौर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर और जयपुर समेत दोस्तों अजमेर समेत कई जगहों पर यहाँ पर अच्छी बरसात की रिपोर्ट की गई और यहाँ पर अनेक इलाकों पर दोस्तों मौसम में बदलाव के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ में राजस्थान के विभिन्न इलाकों पर मौसम में ठंडक भी जरूर देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर में 26-27 तो दिन में 30-31 चार दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। अलवर में 4 दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों बांसवाड़ा में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह जारी रहेगी। इसी के साथ बारा में 2 दिन बादल, शुक्रवार से हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा। साथ में यहाँ पर बाड़मेर में पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसी के साथ भरतपुर में दोस्तों आज बादल, फिर छिटपुट बरसात, फिर बादल, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों के वजह के साथ मौसम बदल सकता है। इसी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे भीलवाड़ा में 2 दिन छिटपुट, शुक्रवार से अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों बीकानेर में 4 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम में बदलाव के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे बूंदी में 2 दिन बादल, शुक्रवार से फिर बरसात देखने को मिल सकती है, मौसम ठंडा सोना रहने, उतार चढ़ाव जारी रहने और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होते नजर
आएगा। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में दो दिन छिटपुट बरसात, शुक्रवार से अच्छी बरसात और बादल छाए रह सकते हैं। मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों चूरू का मौसम बदल सकता है, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की आगे के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि दौसा में छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि धौलपुर में तीन दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद शनिवार रविवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों डूंगरपुर में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ मौसम बदल सकता है। साथ में हनुमानगढ़ में चार दिन बादल, रविवार सोमवार से हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदलेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो जैसलमेर का मौसम बदल सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जालौर में पूरे सात दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ झालावाड़ में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जाओ के साथ परिवर्तन के साथ बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। साथ में झुंझुनू में अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों पूरे के पूरे जोधपुर का मौसम बदल रहा है। जोधपुर में पिछले सात दिनों के दौरान अच्छी बरसात हुई थी, लेकिन अब दोस्तों बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों करौली में चार दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे और गर्मी के तीखे तेवर से राहत मिली यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि अभी भी करौली में दोस्तों मौसम ठंडा सा और उतार चढ़ाव के आसार है। इसी के साथ कोटा की बात करें तो दो दिन बादल छाए रहेंगे, उसके बाद शुक्रवार शनिवार से एक बार फिर से छिटपुट बरसात देखने को मिल सकते हैं, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और मौसम में ठंडक जरूर देखने को मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पर लागौर में अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात हो सकती है, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। छिटपुट बरसात के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम बदला सा नजर आएगा, तो कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ पाली में छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ बदलाव और बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो प्रतापगढ़ में बादलों की वजह जारी रहेगी। रात संबंध की बात की जाए तो तीन से चार दिन छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और बरसात की गतिविधियों के साथ बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। वही दोस्तों मौसम विभाग के माने तो पूरे सवाई माधोपुर में चार दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम बदल सकता है, तो कई इलाकों पर बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा। सीकर में अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात होगी, मौसम में ठंडक रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है और यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ बादलों की वजह जारी रहेगी। सिरोही में दो दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा, शुक्रवार से छिटपुट बरसात देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है पूरे श्रीगंगानगर में आज रात तक अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा और कई कई इलाकों पर और भी ज्यादा ठंडक देखने को मिलेगी। टोंक में दोस्तों रात के समय 27-28, दिन में 33-34, दो दिन बादल, शुक्रवार को छिटपुट बरसात, पूरे सात दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगा। उदयपुर राजस्थान की बात करें तो उदयपुर में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ छिटपुट बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव और राजस्थान के मौसम में कई जगहों पर परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों राजस्थान में कई जिलों में आज रात तक शाम तक बादलों की वजह के साथ मौसम में हलचल तो होगी, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई जगहों पर दोस्तों जो है पिछले तीन से चार दिनों के दौरान हुई बरसात से काफी फसलों को नुकसान भी देखने को मिला था और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आया। अब दोस्तों राजस्थान में फिर से बरसात की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू होने के साथ राजस्थान के मौसम में हलचल होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक एक बार फिर से जरूर देखने को मिलेगी और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है। अगर आप भी राजस्थान में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते, कमेंट करके जरूर बताना।